हाथ में लो, मुँह में लो गरम गरम चाय। गरीब रख लिया तूने। बिहार की ट्रेन हो और शेविंग कर रहे हैं ट्रेन में। मोटे हो जाएंगे खा खा के। अरे तो पतली कौन सी हो आप? बच्चे बच्चे पैदा कम करो। वो है तो सब वो बच्चा भी कम करना चाहिए। क्या देगा मैंने देगा पुर में। खा पी लो भैया लिट्टी चोखा। बिहार की लिट्टी जो वेलकम टू द चैनल ट्रैवल विद जो। दोस्तों मैं हूँ अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और आज का हमारा सफर होने वाला है बिहार में, क्योंकि वहाँ पे अभी चल रहा है बिहार का सोनपुर का मेला, विश्व प्रसिद्ध है। और लास्ट टाइम भी मैंने प्लान बनाया था बट वो मिस हो गया, तो इस बार सोचा कि बिहार का प्रसिद्ध मेला सोनपुर मेला, जो कि मिडिल एशिया का सबसे बड़ा मेला है, हॉर्सेस डॉग्स मतलब कैटल फेयर आप बोल सकते हो, विश्व का सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा। वैसे तो पुष्कर मेला भी लगता है पर पुष्कर मेला से भी कहीं ज्यादा वास्ट है। लास्ट मोमेंट पे मतलब मैंने ये प्लान किया, कोई टिकट रिजर्वेशन भी नहीं की, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए हैं। 1 बजे की ट्रेन है वैसे बिहार संपर्क क्रांति, टिकट तो मिलने वाली है नहीं, बस हम सोच रहे हैं जनरल कोच में ही सफर कर लिया जाए और जाएंगे हम हाजीपुर तक। वैसे तो सोनपुर तक भी जा सकते हैं बट हाजीपुर तक जाने में फायदा ये है कि आपको जब ब्रिज के ऊपर से ट्रेन क्रॉस करती है तो आपको मेला बहुत करीब से देखने को मिलता है, साथ ही साथ हम गंडक रिवर को भी क्रॉस करके जाते हैं। 12566 बिहार संपर्क क्रांति, तो इसमें हम सफर करेंगे। इसको बिहार का डॉन बुलाया जाता है वैसे। चलो फिर आज डॉन में हो जाए सफर। सुबह सुबह ही यहाँ पे ना जाम हो जाता है। वैसे आज हमें ना ये बस एक छोटा सा झोला ही लेके निकले क्योंकि जनरल कोच में पता नहीं है झोला भी सुरक्षित रह पाएगा कि नहीं। और यहाँ पे सुबह सुबह ही माहौल बना हुआ है, रश है। ठीक है, जैसे कि अभी छठ पूजा और फेस्टिवल दिवाली वगैरह खत्म हुआ है ना, तो लोग अपने अपने काम पे वापस लौट आए हैं घरों से। वैसे छठ पूजा पे भी जाने का प्लान किया था बट ट्रेन वगैरह कुछ भी नहीं थी और उस टाइम तो जनरल कोच में स्ट्रगल वो भी बहुत बड़ा होता है। अच्छा जनरल कोच में वैसे आपको पता है कुछ खाने पीने का तो मिलने वाला नहीं है, इसलिए हमने चाय उससे पहले ही थोड़ा बहुत कुछ चटपट खाना मतलब ले लिया। अभी देखो ठंड का आगमन हो चुका है और कोहरे की चादर आ चुकी है और इस समय दिल्ली में भी काफ़ी हर जगह कोहरा मिलेगा। ट्रेन्स भी ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे डिले चल रही है। ठीक है, ये माहौल आपको दिखाया स्टेशन का। चलते हैं सबसे पहले हम टिकट काउंटर पे टिकट लेने के लिए। देख लीजिए यहाँ सामने है अनरिजर्व्ड काउंटर और लाइन है भाई। यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे बना हुआ है प्लेटफॉर्म टिकट के लिए एंड सेकेंड क्लास बुकिंग ऑफिस, ये सब यहाँ पे देखो। यहाँ पे भी अच्छा खासा रश है, टिकट काउंटर पे कितना रश है यहाँ पे। हमने रिक्वेस्ट की इनसे शायद टिकट मिल जाए हमें हाजीपुर के लिए। काफ़ी कड़ी मशक्कत के बाद फाइनली एक टिकट आ चुकी है हमारे पास। वो तो उस लड़की का भला हो जो फटाफट से आगे लगी हुई थी, उसको रिक्वेस्ट करके हमने दे दिया और मिल गई। प्लेटफॉर्म नंबर 16 यहीं पर है, देख लीजिए यहाँ से आ चुके हैं अंदर। अभी हम प्लेटफॉर्म नंबर 16 बिल्कुल सामने है, 12566 ट्रेन नंबर है ये हमारा। प्लेटफॉर्म नंबर 16 के लिए चलेंगे यहाँ से नीचे। आज जनरल कोच का सफ़र होगा इंटरेस्टिंग। टोटल इस ट्रेन में ना 4 कोचेज हैं जनरल के और बाकी सब AC स्लीपर हैं। वैसे जनरल कोचेज को बढ़ा देना चाहिए, 4 कोचेज में मतलब क्या ही होता है यार। और इस समय तो मतलब चलो रश उतना बहुत ज़्यादा नहीं है, जब फेस्टिव सीज़न होता है ना उस समय तो मतलब सीट ही नहीं मिलती है, लटक लटक के मर के जाना पड़ता है, इतना बुरा हाल होता है। तो आई थिंक है ना जनरल कोचेज जो हैं उनको बढ़ा देना चाहिए। 12566 और रिटर्न वाली जो है 12565 है, जो दरभंगा से नई दिल्ली के बीच चलती है। वैसे ये पूरी जो ट्रेन है वो जाएगी नई दिल्ली से दरभंगा। स्लीपर के बाहर भी रश था और अब हम पहुँचे हैं 12:35 पे जनरल कोच के बाहर। यहाँ पे ये जनरल कोचेज हैं, सीट मिलना तो नामुमकिन है। हाँ पसीना आ गया, इतनी रिक्वेस्ट की पर सीट कोई नहीं दे रहा। चलो खड़े हो गए सफर करेंगे, जहाँ पे सीट मिलेगी थोड़ी देर रिक्वेस्ट करके ले लेंगे। वो पोज दे रहे हैं, सीट तो मिल नहीं रही है, पोज ही अलग ही चल रहा है इनका। ये देखो भाई पीछे भी फुल ऑन भरा हुआ है कोच, देखो इधर भी ऐसे फुल है। ये यहाँ पे सामान तो हमने जैसे कैसे बैग टांग दिया। तो भैया भैया से हमने ना यहाँ पे रेल लीर मंगवाई है, दे दो, थैंक यू सो मच, थैंक यू। उनसे मंगवा ली भाई, बाहर अंदर जा, अंदर खड़े हो गए, बाहर निकलने की हिम्मत नहीं है। देखो बुला यहाँ से रश है इधर पूरा। लो भाई यहाँ से शार्प 1 PM पे ट्रेन हो चुकी है डिपार्चर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। अरे लोग देखो जनरल कोच के बाहर का माहौल। बाय बाय NDLS के प्लेटफॉर्म नंबर 16 से
हो चुकी है रवाना बिहार संपर्क क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस। भाई शार्प टाइम पे यहाँ से चल रही है, अच्छी बात है। फाइनली 15 मिनट के डिले पे निकली है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। तो देखा फोन भरिए सही से। दिल्ली का जाओ हम यात्री ऊपर से लेके नीचे तक फुल खचाखच कोच, और साथ ही साथ एक हमारी ट्रेन जा रही है। कौन सी ट्रेन है नाम पढ़ो ना, राजगीर नई दिल्ली श्रमजीवी एक्सप्रेस। देखो शेविंग का तरीका उनका, मतलब फोन ही है उनका कैमरा और शेविंग कर रहे हैं ट्रेन में। फाइनली गलती से एक सीट मिली है, शेव कर रहे हैं अंकल ने, थोड़ी देर बैठ जाओ। देखो यार इतना शांति से हाँ ना प्यार से सीट मांग रहे हैं और अच्छे इंसान हैं, दे भी रहे हैं, वरना हमने तो जनरल कोच में लड़ाई करते ही देखा है, या तो प्यार से ही बैठा लिया, चलो अच्छी बात है, नहीं नहीं तो अब तक झगड़ा हो जाता, हम नहीं देंगे सीट। क्यों लड़ रहे हैं भाई, यहाँ पे दिल्ली आगरा गया। क्या हो गया, कहे लड़ रहे हो, आगरा आगरा सब ठीक है, सब ठीक है, ठीक है रहता है, जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही करो तो वो सीधा रहता है। लड़ाई शुरू हो गई है, क्यों लड़ रहे हैं ये, सीट नहीं है, सीट के लिए लड़ रहे हैं, नहीं नहीं आपको तो कट्टे पे सीट मिली हुई है, कट्टे पे मिल गया है, अब ये हम आंटी को भी मिल गया, फिर कौन लड़ रहा है, बहुत लड़ रहा है, क्या करेंगे, कोई बात नहीं माफी मांग लो, मैं बोलता हूँ गलती माफ कर दो, चलो आंटी माफ कर दो, आप क्या करेंगे आप बताइए, आप तो शक्तिमान हैं, ये हमारा माँ की तरह है, हम भी इसके। अरे नहीं बहनी, ये यहाँ खड़ा था, अच्छा मैं बोले जो खड़े हो यहाँ कट्टा रख लो, इसको भी बोले जो बीच में खड़ा कट्टे रख लो, दो आदमी दो साथ से बैठ जाए, इसको भी बैठा दिया, फिर भी आप बताओ उस पर दो आदमी, आप दो आदमी बैठा दे, एडजस्ट करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, चलो एडजस्ट करना पड़ेगा। आप कहाँ तक जाएंगे, हम तो दरभंगा तक जाएंगे, आप कहाँ तक जाएंगे, जहाँ ये जाएगा ना हम वहीं जाएंगे। वेरी गुड, मजा आ गया, देखो लड़ाई करते करते सफर की शुरुआत ही अच्छी हो गई। हेलो हाय हाय, उधर का माहौल भी, हेलो सबको नमस्ते। यमुना नदी है क्या, अर्चना शुक्ला, आप गोरखपुर से हैं, नहीं नहीं यूपी, यूपी यूपी में कहाँ से, गोरखपुर भी तो यूपी में है, हम ये कानपुर में रहते हैं, अच्छा कानपुर, अच्छा इनका चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा भाई। यहाँ पे ना हमारे साथ जो पैसेंजर ट्रैवल करे ना वो बता रहे कि आज दिल्ली में ना बसेस बंद है, क्या रीजन है ये तो हमें भी नहीं पता ना, कुछ रीजन नहीं पता चला, आप बस स्टैंड गए थे क्या, अच्छा फिर वहाँ जाके पता चला कि बस बंद है, हड़ताल है बसेस की, अच्छा आज स्ट्राइक की गई बस, इसलिए कब तक है, आज ही बंद है कि कल भी, आज आज के लिए बंद है, थोड़ी सी स्पीड स्लो हुई है एंड आवर ट्रेन इज क्रॉसिंग साहिबाबाद। ट्रेन जो है वैसे कहीं पे रुकने वाली नहीं है, फर्स्ट होल्ट मिलेगा कानपुर, ये देखते हैं क्रॉसिंग पे क्रॉसिंग मिल रही है हमें, ये कौन सी ट्रेन आई, एक और ट्रेन से मिली हमें क्रॉसिंग, जैसे घुमा के दिखाते हैं जरा, नाम नहीं मेंशन, पर इस समय फुल ट्रेन भी ट्रेन की क्रॉसिंग आपको मिलने वाली है। क्या हो गया, सरकार को बोलो जी, बहुत भीड़ चल रहा है, जनसंख्या ज्यादा हो गया है, ट्रेन बढ़ाने के लिए बच्चे बच्चे पैदा कम करो, वो तो सबको बच्चा भी कम करना चाहिए, एक बच्चा एक बच्चा पाँच पाँच छह छह बच्चे होंगे तो बढ़ेगा ही ना, है ना।
का कर लीजिएगा। हाँ जी हाँ, इस पर जोड़ लीजिएगा ना, शूट कर लीजिएगा ना, ब्रिज था ना। अभी दे दो, एक और दे दो यार, क्या होगी, पैसे एक्स्ट्रा ले लिए ना, पानी की बोतल भी दो भैया। ये 20 रुपए की, 20 रुपए के बॉक्स गिर गए, गिर गए बच्चे, दिखाना क्या क्या देते हैं। नहीं 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 नहीं, पानी ये दिखा दीजिए, देखो ये है पूरी और आलू की सब्जी दी है, सही है, एक बंदे के लिए तो ठीक है। नहीं नहीं आप खाइए, शुक्रिया। भाई ये सुपर फास्ट को कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। मऊ गोरखपुर आनंद विहार एक्सप्रेस जो है वो यहाँ से रवाना हो चुकी है, हमारी पता नहीं क्यों रुक गई गाजियाबाद में। पानी बोतल देखो कैसे लटक रहे हैं भैया, पानी बोतल पानी दो। जनरल कोच उसमें भी फुल नजर आ रहा है एकदम। श्रमजीवी एक्सप्रेस, मुझे लगता है यहाँ से ही हमें ओवरटेक करने की कगार पर है श्रमजीवी एक्सप्रेस, हमारी भी साथ साथ चल रही है पैरलर। ये देखो भैया का खाना बैप 5, वन मोर क्रॉसिंग विथ हरिद्वार दिल्ली सहारनपुर, दिल्ली हरिद्वार ICF coaches. बिहार की फेमस डिश लिट्टी चोखा बेचने वाले आ गए हैं भैया, और फुल ऑन डिमांड है इनकी। खा पी लो भैया लिट्टी चोखा। हाँ तो ठीक है, पी कैसे लेंगे लिट्टी, पानी भी देंगे ना। हाँ, ये हमने ले ली भाई यहाँ की लिट्टी, बिहार में आओ तो कहते हैं लिट्टी ना खाई तो क्या खाया। लीजिए, अरे लो ना, पकड़िए, आप ही पकड़िए इनको भी, अंकल आप भी लीजिए, चलो खाओ। कर दिया यहाँ बिहार की लिट्टी ट्रेन में, 10 रुपए की एक, अंदर 70 ही है ना, पैसे तो दो, 70 रुपए वापस, 100 का दिया था। दीजिए आप भी थोड़ा सा, अरे खा लीजिए ना, अंकल जी करवा रहे हैं, चलो खा लेते ट्रैवल विद जो ठीक है। लिट्टी है चोखा है, बढ़िया है, ट्रेन में कुछ तो खाने को मिला। और सब्सक्राइब कर दें चैनल, आपको क्या लगा। और अभी हम अलीगढ़ अप्रोच करने वाले हैं, सिर्फ क्रॉस ही करेगी ट्रेन अलीगढ़ पर रुकेगी तो नहीं। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, अभी टुंडला जंक्शन
मौज में है ना, सिर दर्द हो जाए ना किसी का। यार किसी को शंकर भगवान हिम्मत छुटा रहे हैं। देखो कि सीट मिलेगी कि नहीं, कोशिश के लिए ऐसा रश का माहौल है। सीट दे दो थोड़ी देर बना के जा रहे हैं रास्ता। हम देखो इधर भी जाने दे यार, भाई भाई जाने तो नहीं दे रहा, ये रहेगा जगह तब तो जाएगा आगे यार। कैसे निकल जाएगा यार, गोदी में निकाल दे, तुमको निकाल दे गोदी में। बढ़िया तो बढ़िया, तो आगे बढ़िए, थोड़ा तमीज से बोलिएगा हमसे। मोदी बनने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, चलो है ना भाई, यहाँ पे मोदी बन रहे। बाम बेचो बाम, मोदी नहीं बनो। देखो भाई नीचे बाबू, ध्यान दे हमारा शंकर बाप का जानकार दिया, ध्यान दे बाबू। भाई आ गया आप लोग, बड़ी हिम्मत से रख रहे हैं। शंकर गेट तक तो पहुँचे, वॉशरूम है क्या इधर ही, और आगे है यही पर है। देखो नीचे भी कैसे बैठे हुए हैं, थोड़ा घूमो ऐसे आंटी ने भी जाम किया हुआ है। कोई नहीं, क्रॉस करके जाना पड़ेगा। मौसम की हालत है क्या जाने लायक? चलिए सही है, बहुत जगह तो है लेकिन साफ है क्या? साफ है, चलो देखेंगे। तनिक भाई वॉशरूम तक जैसे कैसे पहुंचे हैं। वॉश मशीन की हालत तो ऐसी बता रही है कि क्या ही साफ मिलेगा, मिलेगा साफ पता नहीं, साफ है कि गंदा है। चलो भी देखेंगे। ट्रेन में सप्लाई खोजी गई थी, इतना थोड़ी सप्लाई मिलेगा ट्रेन में, इतना सप्लाई खोज रही है। सप्लाई मतलब फैसिलिटी, हाँ फैसिलिटी ट्रेन में नहीं मिलने वाली। ओके ढक लो तो ठीक है। ओ हो 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 भाई ये वॉशरूम पानी भरा पड़ा है इसमें तो खचाखच। और चलो बहुत स्मेल है भैया, नहीं जा पाऊंगी, बहुत स्मेल है, नहीं होना, नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। अरे इस स्मेल में कैसे जाए, आराम से जा रहे हैं। अब वॉशरूम साफ ना हो तो क्या करें, स्लीपर में जाएंगे, स्लीपर या थर्ड एसी में जाना पड़ेगा तब हमको। ट्रेन पर देख सोशल मीडिया पे चाय जाएगी रे भाई, ये चाय है सोशल मीडिया, चाय बन रहे भाई, सोशल मीडिया वाली चाय। हेलो कितनी है, 10 रुपए की है जी, गरम गरम लीजिए, हाथ में लीजिए, गरम गरम चाय। ये देखो तो चाय इधर चना चाट, और सबसे बढ़िया कहना है इधर, ये देखो झूले पे सोए पड़े हैं भैया, एक बार झूला देखा ना हमको, इधर आने तो तनिक झूला देखिएगा देखिए। हाँ झूले वाले भैया, ये देखो झूले वाले भैया शर्मा गए क्या, ये देखो मस्त माहौल है नीचे, यहाँ झूला वूला लगा के मस्त हो गए। गेट तो पूरा बंद है, ये देखो अभी आंटी अपने पिटारे में से भी निकाल रही हैं,
अरे और भी निकाल पूरे ना निकाल रहा भैया, लाओ ये तो दो, आप खाएंगे ना, लो इनको दो एक लो। ना मैं नहीं खा चुकी ना। अच्छा ये देखो आंटी लेके आए थे घर से बना के, अब ये चाय दे दो मैडम, एक्सपोज कर रही है, ठंडा ठंडा चाय पिला दो समोसा चलाना चाहिए पहले, इसीलिए हम चाय लगा दिए। ये सोचो कि चाय मिल रही है ट्रेन में। देखो ये हम लाए थे ना चायों से लेके आए थे ये शक्कर बारे। भाई मिर्ची इतनी लग गई खाने के बाद ना, अब सोच रहे हैं कुछ मीठा खा लिया जाए। खा लिया मैंने। अरे एक खा लो, मोटे हो जाएंगे खा खा के। अरे तो पतली कौन सी हो आप, और मोटे हो जाएंगे। कोई नहीं, खाते पीते करके हूँ। किसका? अरे भैया किसका हो गया? हटा दे, हटा दे, देखे मेरा फोन चोरी हुआ, इनको हाथ में दिया लगाने के लिए। इनको आपने चार्ज पे दिया था? जी मैडम, मैं चल गया बाहर पे साफ करने के लिए। अंकल यहाँ बैठा के वहाँ चेक करो। कहाँ पे गया अभी? बाहर गिर गया, पता नहीं क्या हुआ। तो अभी मिला नहीं, क्या हुआ? नहीं मिला, बंद बता रहे। कब पता चला? कहाँ अभी दिया हूँ? अभी मैं अभी पेशाब करने गई थी, एक मिनट भी नहीं हुआ। ये भी है, इसका कहने का मतलब यही हुआ, ये चोरी कर लिया। इसका मतलब यही कहना है, इसका मतलब यही कहना हुआ, चोरी कर लिया। किसने? इसका कहने का मतलब यही हुआ, ये चोरी कर लिया। किया किसने? चोरी क्या, कहीं पे गिर गया होगा नीचे? नीचे देख लो, गिर गया होगा। नहीं है, नीचे नहीं है। नहीं है मैम। अरे यार मोबाइल गुम हो गया इनका, देख लो भाई यहाँ पे तो मोबाइल है ना, चार्जिंग में लगाना भी अभी मैं दिया दो मिनट मोबाइल चार्ज। क्या चिल्ला रही है? चुप रहो, चेक करो ना यार। अभी अपने अपना मोबाइल आधा घंटा कोई सामान मैं कौन लाते दूसरा सामान क्यों देंगे भैया? बड़े गलत बात है, ऐसे गिर गया तो उठा के देखो आप कहीं पे गिर ना गया हो। चैनल लेके चल, खिड़की निकाल लिया हुआ, खिड़की निकाल लिया हुआ, भीड़ में कौन देखेगा? अब बताओ मैम, ये तो भाई साहब ने चार्ज में लगा दिया। अब इनकी कहना है मैंने चोरी कर ली, मैं चोरी नहीं, तुम तसल्ली कर लो। या तो कोई ले गया होगा, मैं नहीं ले। आपने नहीं देखा किसी ने? बैठ गई ना, थोड़ी समस्या वाली बात है। ये देखो मोबाइल गुम हो रहे हैं, सब वीडियो बनाने वाले आ चुके हैं, दस्तक दे चुके हैं। ट्रेवल विद जो ट्रेन अभी पहुँच रही है 1.5 घंटे की डिले से कानपुर सेंट्रल। चाय बढ़िया, चाय चाय। लो भाई फ्रूट वाला यही मिल गया हमको, केले केले केले। हेलो भाई, उतना तो भाई हम सोच रहे थे उतरेंगे, पर उतरने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। इवन और पैसेंजर भी अभी कानपुर से बोर्ड कर रहे हैं। अरे इधर आ जाएंगे। देखो भाई नहीं उतरने का मुश्किल ही लग रहा है। क्या बेच रहे हैं? अंडा बिरयानी। कितने का है? 60 रुपए। अच्छा इनको एक दे दीजिए। ये लो यहाँ पे, इन्होंने लिया अंडा बिरयानी 60 रुपए का। हाँ लो 60 का 12। अच्छा 60 रुपए दर्जन है क्या? हमें तो 2-3 ही चाहिए बस। 10 रुपए के दे दो ना तनिक। नहीं 10 रुपए नहीं तो वही ना कानपुर सेंट्रल। अरे तो 6 दे दो। कानपुर सेंट्रल है। 6 केला लिया, अंकल को भी खिलाया और आंटी को भी खिलाया। तो कोई बात नहीं, अभी तो 2 बच्चे हैं हमारे पास। वो भी बोलो, आपने बोल दिया ना। चलो कोई बात नहीं, केले। यहाँ पे जनरल कोच के लिए ट्रेन रुकी थी ना, जनरल कोच के बाहर बिल्कुल अंधेरा था, यहाँ थोड़ी रोशनी है। बाकी कानपुर सेंटर में मोबाइल वगैरह भाई सेव करके ही रखना, बड़ा रिस्की होता है। मोबाइल स्नैचिंग और चेन स्नैचिंग बहुत ज़्यादा होती है यार यहाँ पे, बी केयरफुल।
जय श्री राम। बाय बाय कानपुर सेंट्रल। ये है ट्रेन रवाना। कौन को है अपने आप बचाना। नाव जंक्शन उधर है ना। नाव से ठीक एक मिनट के बाद ट्रेन हो चुकी है यहाँ से डिपार्चर। अरे तो तू भी नचता है क्या है? अच्छा सही बात ए, कोई मजाक मत करो। बच्चा सीरियस हो गया। बैठ जा भाई, बैठ जा, कोई नहीं कुछ। बैठ जा भाई चुना लाल। अरे भैया यार ऐसे मत करो यार, 112 पे लगा रहे हैं। अच्छा आके बोले हैं कि सर मेरा एक पथरी और झेपड़ा सब गायब हो गया, बताने के लिए आ जाओ। एमएलए साहब है, हम लोग एमएलए साहब यही है बोला। ये कोई बात नहीं है, 10 दिया तो 10 ही देने का। कल भाई सामने वाला आएगा तो उसको देना। अरे होगा नहीं तो देने के लिए भाई जी दूसरे बोल दे मुझसे। अरे मैं तो आदमी में तो देख लिया तो सब मिल के देख लिया। ये चीज गलत है, ये चीज गलत है। चल अल्लाह आगे क्या दे रहा है? 10 ये गलत है। मैं तो डेली मिलता हूं। ये जितना आपने ये चीज गलत किया है। ये बैठा हूं गलत है। अरे एमएलए साहब से मिलिए। चलो चलो उठ दो। नहीं नहीं उधर नहीं, सिक्का लेना मुझे सिक्का लेना तो मैं नहीं नहीं बैठा ही बैठा से। अरे भैया ला तो ला। अरे वाह तू मीठा कर। एमएलए साहब मेरा बाकी है अभी। अरे सच बोल यार। एमएलए साहब क्या नाम है आपका? किट्टू। ए अंकल किट्टू को दो मेरा 10 रुपया वापस कर दो यार। कल मिलना आके। गिरी को भी रख लिया तूने? गिरी को भी रख लिया तूने? बोले नहीं है नहीं है। उसने देख लिया वो? मैं तो सिखा दिया। ले लिया वो? आपको सिखा दिया आज? चल कल उठे हल्कों का बकवास मत करना। सिखा दिया निकलो तेरे बाप की सीट निकलो यहाँ से। खरीद ली सूट तूने? हैं तो क्या खरीद लिया पैसा मेरी सीट है? हाँ कल उठे अंकल अगर लड़ने लग गए उनसे सही माहौल बना के गई है। कैसी थी अंडा बिरयानी? 90 रुपए। कैसी लगी टेस्ट में? बेकार है ना। क्यों? कैसा बेकार गया? अच्छा स्मैक नहीं, कुछ टेस्टी नहीं है। बुझा रहा टेस्ट ही नहीं बुझा रहा। आपको बुझा रहा है? आप तो स्वाद ले लेके खा रहे हैं। ऐश्वर्या
आ गया यहाँ पे भी अभी ऐश बाग में लखनऊ सिटी यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर रह जाता है। सवारी कुछ पैसेंजर जो यहाँ से चढ़े भी हैं दिखाओ कौन बातें कर रहे हैं, रश हो गए यहाँ तो दिखाओ। ऐशबाग से 5 मिनट के बाद हो चुकी है रवाना, यहाँ पे पैसेंजर और भी आ गए हैं, पहले ही फुल था। करके सीट तो मिल गई है, अभी सोच रहे कि सो जाए, सोचते जहाँ भी नींद खुलती है मिलते रहेंगे। वैसे जनरल कोच में बार बार नींद खुलती ही रहती है। क्या है अभी चाय गोंडा चाय चाय यहाँ पे गोंडा है ये। हाँ गोंडा 12 बजे ऐसा गोंडा आया, समोसे समोसे लग गया तो हाँ भैया अगर ट्रांसफर ही कर रही हूँ तो समोसे। 5 मिनट के बाद हो चुकी है रवाना, देखो बाल्टी में बैठे थे वो डिब्बे का, देखो क्या हाल हो गया है, तब गई है ये सही हाल है। तो मोटा था जहाँ क्या स्टोरी हो रही है। देखो 787 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके ट्रेन पहुंची अभी गोरखपुर, और देखो अंदर ही चाय वाले भैया भी आ गए हैं चाय पिलाने। गोरखपुर में थोड़ा सा स्पेस मिला बाहर आने का, 10 मिनट का होल्ट रहता है वैसे, रेड सिग्नल है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आई है ट्रेन, भाई क्या खतरनाक नींद आई थी, ठंड लगी थी, टी शर्ट भी पहननी पड़ी बाद में। तो 4 नंबर प्लेटफॉर्म से ट्रेन हो चुकी है अभी रवाना। छपरा में देख लो 4:10 में पहुंचने का टाइम था, 1 मिनट बाहर जाएंगे। क्या जगह पहुंच रही है 6:30 बजे छपरा तक 965 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लिया, 2 घंटे 20 मिनट के डिले से पहुंची है। वैसे यहाँ 5 मिनट का होल्ट रहता है बट मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी ट्रेन यहाँ पे खाली हो रही है, सांस आने लगा है थोड़ा थोड़ा। इतनी नन्ही सी जान है अभी अभी बैग उठा के जा रही है। ये देखो यहाँ पे ना कुछ हमारी फैमिली के मेम्बर मिले हमसे तो अच्छा लगा, थैंक यू। ये देखो जब ऐसे बिहार की ट्रेन हो तो ऐसे आदान प्रदान होता है विंडो से, देख लो भाई तो नीचे आगे। 5 मिनट के बाद अरे 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 छपरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से हो चुकी है रवाना, अभी तो यहाँ पे खाने पीने के आउटलेट्स भी कम ही खुले हैं।
अभी पहुंच रही है सोनपुर। 1030 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेन ने अभी तय कर लिया है और पहुंच गई है सोनपुर जंक्शन। वैसे पहले प्लान था हाजीपुर जाने का, बट यहीं उतर गए भाई हम। वैसे ना यहाँ पे 5:18 पे पहुँचने का टाइम था और लगभग 2:35 के डिले से पहुँची है भाई। इतना लेट कर दिया, 7:30 बजने को है। केले मिल रहे हैं, वैसे जहाँ भी जाओ जगह की केले ज़रूर खाइएगा। वैसे हमने रात को ही खा लिए तो अभी इच्छा नहीं है। हाजीपुर जाने का प्लान हमारा पहले इसलिए था क्योंकि जैसे ही आप सोनपुर जंक्शन क्रॉस करते हो ना, ट्रेन से ही ब्रिज के ऊपर से जब ट्रेन जाएगी ना तो सोनपुर मेला भी दिखता है और साथ ही साथ गंडक रिवर का बहुत ही खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है। लास्ट टाइम जब मैं गई थी इस रूट से तो मेला और गंडक रिवर का एक्सपीरियंस लिया था, बट अभी तो यहीं उतर गए। बट मज़ा आता है। बस अभी जाएंगे यहाँ से सोनपुर, मेला जो है लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे ही लगता है, तो वहीं जा रहे हैं हम डायरेक्ट। अगर हाजीपुर जाते तो ट्रैफिक की सिचुएशन अभी बहुत ज़्यादा टाइट है, इसलिए वहाँ नहीं गए, यहीं पे उतर गए हम। ठीक है भाई, यहीं तक थी आज की फिर हमारी वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सोनपुर मेला को एक्सप्लोर करते हुए। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर। आई लव टू रीड योर कमेंट्स, बहुत सारे कमेंट्स करना। बस ट्रेन भी अभी यहाँ से 2 मिनट के होल्ड के बाद डिपार्चर होने वाली है। लॉट्स ऑफ लव गाइस। 2 मिनट के होल्ड के बाद अभी ट्रेन यहाँ से हो चुकी है रवाना। बिहार संपर्क क्रांति फिर से है आना। ये गया हमारा जनरल कोच।